असलम स्टूडेंट आई होप योर ऑल फाइन टेक आउट योर एसिस कॉपीज़ एंड राइट एंड ऑन यू न्यू पेज राइट डेट फाइव टू टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लास वर्क एंड द डेज फ्राइडे यूनिट वन वर्किंग सेफली उसके बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि आपका क्या है पुटा टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट टिक ऑन ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस ऑन फॉल्स स्टेटमेंट यानी जो आपको स्टेटमेंट सही है उसको आप टिक करें और जो गलत है उसको आप क्या कर दें क्रॉस आप लोगों के सिर्फ फोर स्टेटमेंट्स हैं ठीक है फोर स्टेटमेंट्स को आपने अपनी नीट कॉपी पे उतारना है और जो आपको टिक लगता है आप उसको टिक करेंगे और जो क्रॉस है उसको हम क्या करेंगे क्रॉस मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए इफ़ वी आर यूजिंग शार्प और हैवी टूल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं शार्प मीन्स बहुत तेज़ चीज़ यानी जिससे आप लोगों को कट लग सकता है जैसा कि नाइफ वगैरह और हैवी टूल्स यानी कोई भारी चीज़ जिसना हैमर वगैरह होती है और यूजिंग समथिंग हॉट या अगर कुछ गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वी शुड नॉट आस्क एन एडल्ट फॉर हेल्प एडल्ट मीन्स जो आपसे बड़ी उम्र के होते हैं ठीक है एडल्ट मीन्स जो आपसे बड़े होते हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने किसी अपने बड़े से मदद के लिए कभी नहीं कहना चाहिए ठीक है तो यह के बात क्या है रोंग हमें कब जब भी कोई हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें तो हमेशा अपने बड़ों की मदद लें इसलिए हम इसको क्या कर देंगे क्रॉस क्योंकि ये गलत बात है सेकंड नेवर लीव पेंस और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड द रूम उन्होंने कहा है कभी भी पिन्स होगी ठीक है क्योंकि दे आर डेंजरस या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ थम पिंस या नेल्स लाइंग अराउंड द रूम यानी अगर आपको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी पिंस आपको ज़मीन पे गिरी मिले ठीक है सॉरी कभी भी उन्हें हमें ज़मीन पे गिरे नहीं रहना देना चाहिए तो ये बात सही है या गलत सही बात की है कि हमें कभी भी ऐसी शार्प चीज़ों को ज़मीन पे गिरे नहीं रहने देना चाहिए तो ये क्या हो गया टिक वी शुड avoid टचिंग an इलेक्ट्रिक पोल एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स Avoid मीन्स बचना चाहिए हमें बिजली के इलेक्ट्रिक पोल्स यानी बिजली के पोल्स और जो बिजली की तारें ओपन यानी कट लगे होते हैं उनमें से मेटल की वायर्स बाहर आ रही होती हैं ठीक है उनको हाथ लगाने से हमेशा क्या करना चाहिए अवॉइड यानी बचना चाहिए सही बात की है तो हम क्या करेंगे टिक ठीक है क्योंकि इससे यह हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है हमें इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है मेडिसिंस दवाइयाँ शुड बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग एन एडल्ट यानी आपको जो दवाइयाँ हैं कंसल्ट मीन्स रबता करना एडल्ट मीन्स आपको आपसे बड़े उन्होंने कहा है कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं आपको वो अपने बड़ों से पूछे बगैर लेनी चाहिए कि आप कभी ऐसा करेंगे कि आप किसी से भी पूछे बगैर कोई भी किसी से भी ना पूछें और आप कोई भी दवाई ऐसी खा लें नो no. हमेशा हमें मेडिसन्स पूछकर खानी चाहिए तो उन्होंने कहा है आपको न, आप मेडिसिन uh, खाएं बड़ों से पूछे बगैर तो ये बात बिल्कुल गलत है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया क्रॉस आपने इसको अपनी नीट कॉपी पे उतारना है आपका ये यूनिट आज कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट मंडे से हम आप लोगों के लिए यूनिट नंबर टू स्टार्ट करेंगे ओके दैन एंजॉय योर वीकेंड एंड अल्लाह हाफिज़